हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की यूजीसी नेट के लिए। देखिए, डेट बहुत पास आ चुकी है, तो हम अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं। विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए, इंडेक्स में क्वेश्चन हर बार आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से इंडेक्स होते हैं। अगर हम बात करें, एक होता है HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है अब रिप्लेस कर दिया है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI से। इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें HDI की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इसके कंपोनेंट्स थे हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, साथ में इनकम एंड एजुकेशन। ये तीन कंपोनेंट्स थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम। अगर हम बात करें PQLI की, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसके कंपोनेंट्स हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज, एक साल की एज पे। सेकंड होता है IMR, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। थर्ड होता है लिटरेसी स्टेटस या लिटरेसी रेट। तो इसके जो कंपोनेंट हुए हमारे PQLI इंडेक्स के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज, एक साल की उम्र पर, ये आपको याद रखना है, IMR, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, और तीसरा होता है लिटरेसी स्टेटस। अब देखते हैं ऑप्शंस को, देखते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट सही है, पर कैपिटल कैलोरी नहीं, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होता है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टलिटी रेट नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत होता है। लिटरेसी स्टेटस है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ नहीं है, एट 1 ईयर ऑफ एज, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बचा कुछ ऑप्शन डी है, फिर भी देखते हैं, लिटरेसी स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और 1 ईयर ऑफ एज एंड इन्फेंट मोर्टलिटी, ये ऑप्शन सही है। बाकी इंडेक्स भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन आएंगे, हम एक ही बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से और इंडेक्स होते हैं। एक इंडेक्स होता है हमारा स्लोवेनियन इंडेक्स, या आप इसे कह सकते हैं डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी कह सकते हैं आप इसे। इसका दूसरा टर्म होता है, या दूसरा आप मान लीजिए कि फुल फॉर्म होता है इसका, DFLEI। तो ये क्या होता है स्लोवेनियन इंडेक्स या डिसेबिलिटी फ्री लाइफ इंडेक्स? ये जो आप जो डिसेबिलिटी फ्री लाइफ जो जीते हैं, इसका जो फॉर्मूला है, अगर आप देखें, इसका फॉर्मूला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। कितना टाइम पीरियड जो है आपने डिसेबिलिटी में आपने स्पेंड कर दिया है, डिसेबिलिटी में आपका लॉस हो गया है इयर्स, उसको हम ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी में काउंट करते हैं। और टोटल लाइफ, मतलब आपका जो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि आप 50 साल जिएंगे, 50 साल में से आपने 4 साल जो है वो डिसेबिलिटी में काट दी, जो विदाउट डिसेबिलिटी, मतलब अगर 50 में से 4 माइनस करेंगे, तो अगर आप देखा जाए तो आपने 46 जो लाइफ है वो विदाउट डिसेबिलिटी, फ्री डिसेबिलिटी आपने जी है, तो उसी को हम सुलेवियन इंडेक्स या डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा होता है, दूसरे और इंडेक्सेस होते हैं, एक होता है DALYS, ये होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये क्या होता है? आपने जो डिसेबिलिटी में लाइफ एडजस्टेड की है या लॉस की है, उसको डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कहते हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी लाइफ आएंगी, ईयर्स आएंगी? अगर हम बात करें ईयर लॉस ड्यू टू द प्री मैच्योर डेथ, अगर किसी इंसान की प्री मैच्योर डेथ हो गई है, उसकी वजह से जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो ईयर्स थी वो लॉस हो गई हैं, वो साथ में जो डिसेबिलिटी में उसकी जो लाइफ जो ईयर्स हैं वो लॉस हो गई हैं, वो आती हैं हमारी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये आपको याद रखना है। साथ में एक होता है HALE। HALE क्या होता है? ये सारी चीज़ें आप लिख लें, नोट्स बना लें, ये क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगी, रिपीटेड हैं और भी। एक होता है हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आप जो नॉर्मल लाइफ, एक न्यू बॉर्न बेबी है या न्यू बॉर्न बच्चा है, वो नॉर्मल लाइफ जो
है या फुल हेल्दी लाइफ जो है कितना लाइफ लॉन्ग वो जी रहा है उसको हेल्दी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स एक्सपेक्टेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीधा इंडेक्स पे है। ईयर ऑफ लाइफ लॉस ड्यू टू द प्री मैच्योर डेथ एंड ईयर लिव्ड विद द डिसेबिलिटी एडजस्टेड फॉर सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी इज नोन एज। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन को ढंग से देखा जाए तो मैंने अभी आपको पहले बता भी दिया है जो लाइफ ईयर्स हैं लॉस, हमारी जो ईयर्स हैं वो लॉस्ट हो गई हैं ड्यू टू प्री मैच्योर डेथ। दूसरी बात, ईयर्स जो है वो एडजस्टेड की हैं या आपने डिसेबिलिटी के साथ एडजस्टेड की हैं, तो उसे तो इसका जो होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स होता है, ये आंसर आपको मालूम है। बट अगर हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तीन फैक्टर्स होते हैं, इनकम, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपको याद होना चाहिए हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने बता दिया, जो नॉर्मल लाइफ एक न्यूबॉर्न जीता है जो उसकी एक्सपेक्टेंसी है वो हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आता है। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी या ईयर्स, तो मैंने आपको बताया जो ईयर्स लॉस हो जाती हैं प्रीमैच्योर डेथ में और साथ में जो ईयर्स डिसेबिलिटी की वजह से लॉस्ट हो जाती हैं ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में आती हैं। अगर हम बात करें सुलिवन इंडेक्स की, तो सुलिवन इंडेक्स को हम कहते हैं, इसका जो दूसरा अगर हम बात करें फुल फॉर्म जो है वो है DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो आपने डिसेबिलिटी के बिना जो लाइफ जी है उसे डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इसका ऑप्शन है C1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज एप्लीकेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन अ पॉपुलेशन विच इज नॉट येट एक्सपोज टू अ रिस्क फैक्टर। अभी वो रिस्क फैक्टर्स के लिए एक्सपोज नहीं हुई है, येट नॉट एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर्स। तो हम बात करें तो ये प्रिवेंशन पर क्वेश्चन बहुत बार आ गए हैं, तो आपको प्रिवेंशन के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व करने हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा प्रिवेंशन कब करते हैं। तो चार टाइप के प्रिवेंशन होते हैं, एक होता है प्राइमोरियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एक होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एक होता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एक होता है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखिए मोस्टली आपको मालूम है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कौन सा चीज़ हम कब यूज़ करेंगे। प्राइमोरियल लेवल जो होता है हम तब यूज करते हैं जब रिस्क फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, रिस्क फैक्टर अभी अकर नहीं हुए हैं, तब हम यूज करते हैं प्राइमोरियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मीन्स कोई बीमारी फैली नहीं है, उसके रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम जो है जनता को सिखा रहे हैं, जनता को या पॉपुलेशन है उसका मास्ट एजुकेशन कर रहे हैं, आप सिर्फ पीपल्स को एजुकेट कर रहे हैं, वो प्राइमोरियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, मीन्स आप इनिशियल अभी जो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई डिसीज़ का पैथोजेनेसिस स्टार्ट नहीं हुआ है, आप जो एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को प्राइमरी लेवल में आता है। अगर हम बात करें प्राइमरी की, प्राइमरी में क्या होता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिसीज अकर नहीं हुई होती है। सपोज कर लीजिए कोई इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को हम पोलियो का जो वैक्सीनेशन या पोलियो का जो ड्रॉप्स है वो पिला रहे हैं, ऐसे जो पर्सन को पोलियो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जो वायरस है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन डिसीज अकर नहीं हुई है, ये क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें आपको ध्यान देना है जितने भी वैक्सीनेशंस होते हैं, क्वेश्चंस आपको इससे पूछा जाएगा, जितने भी वैक्सीनेशंस हैं वो हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। मींस वैक्सीनेट कभी भी इंडिविजुअल को जब किया जाता है जब उसको डिसीज नहीं हुई हुई होती है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तभी आपको वैक्सीनेट किया जा रहा है। सेकेंड, जो जितने भी हमारे हेल्थ जैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो दी जाती है वो सारी प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है। अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन की, सेकेंडरी प्रिवेंशन जब होता है जब डिसीज़ हो चुकी है, डिसीज़ हो चुकी है बट वो डिसीज़ जो है इनिशियल फेज में है, उसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। मीन्स पैथोजेनेसिस का जो इनिशियल फेज है उसमें हम जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन यूज करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है, देखिए सेकेंडरी प्रिवेंशन में जितने भी हमारे गवर्नमेंट जो है हेल्थ प्रोग्राम चलाती है वो सारे के सारे जो है हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। मोस्टली जो है अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो है गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स चलाती है, जैसे अगर आप बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, ट्यूबरक्लोसिस में जो है सपोज कीजिए एक पर्सन है, इसको दो हफ्ते से कफ है, दो हफ्ते से कफ है और ये सेंटर पर विजिट किया है इसने स्पूटम की एग्जामिनेशन के लिए, स्पूटम स्मेयर बनाने के लिए आप इसने विजिट किया है, तो ये जो अर्ली डायग्नोसिस है ये कब किया जाता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, मतलब जो डिसीज़ है वो एडवांस स्टेज में नहीं जाए
और आप उसको इनिशियल स्टेज में ही ट्रीट कर लें, उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो जितने भी डायग्नोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसमें डायग्नोसिस की जा रही होगी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोसी है, हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, वो सारी सारी उसके लिए जो जो प्रिवेंशन गवर्नमेंट जो जो स्कीम चलाती है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। अगर हम बात करें, मतलब आपको ध्यान देना है, अगर डिसीज़ फैल चुकी है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में ही आएगा। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है, अब डिसीज़ जो है वो एडवांस स्टेज में जा चुकी है, या तो वो डिस इम्पेयरमेंट करेगी या फिर हैंडीकैप कर देगी उस पर्सन को, मतलब किसी तरह से उसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगा, उस इंडिविजुअल में ऑर्गन का इम्पेयरमेंट हो जाएगा या उसका किसी पैर हाथ का इम्पेयरमेंट हो जाएगा, तो वो क्या है, टर्शियरी लेवल में आ चुकी है। अब चीज़ें जो है वापस नहीं हो सकती, लेवल एक एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है, तो उसे टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं। मीन्स आप जो है आप प्रिवेंट करोगे, किसी भी पर्सन में इम्पेयरमेंट हो चुका है, आप उसे हैंडीकैप्ड होने से बचाओगे, तो उस जगह आप जो प्रिवेंशन लगा रहे हैं वो टर्शियरी प्रिवेंशन में आते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को देखते हैं, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज एप्लीकेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ नॉट येट एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर्स, अभी रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन यूज करेंगे, दैट इज प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूड इन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें से इसमें कौन सा डायमेंशन यूज नहीं किया, आपको पता है किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल मेंटल सोशल वेलबिंग इज कॉल्ड एज हेल्थ, उसकी जो फिजिकल सेंटर जो सोशल मेंटल वेलबिंग है उसको हेल्थ कहते हैं, तो इसमें ऑक्यूपेशनल कहीं नहीं है, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, स्केल यूज फॉर असेसिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा जो है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं या कौन कौन से स्केल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं किसी भी सोसाइटी की पॉपुलेशन की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका है कि कौन कौन से स्किल्स यूज कर किए जा चुके हैं। तो देखिए मैंने बताया था आपको, बीजी प्रसाद स्केल, मॉडिफाइड कप्पू स्वामी स्केल, मॉडिफाइड उदय प्रदी स्केल, ये जो हैं ये तीनों के तीनों स्किल्स जो हैं हमारे यूज किए जाते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखने के लिए। अगर हम इसमें बात करें कप्पू स्वामी स्केल की, ये जो है ये अर्बन पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया था, इस पर क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि अर्बन पॉपुलेशन के लिए एक इंडेक्स यूज़ किया जाता है, वो मॉडिफाइड कप्पू स्वामी स्केल है। मॉडिफाइड कप्पू स्वामी स्केल में जो पूरा अगर हम बात करें सोसाइटी को 5 लेवल्स में बांटा गया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो एक बार देख लें। अगर बात करें सबसे पहले होता है अपर क्लास, फिर होता है अपर मिडिल, लोअर मिडिल, और नीचे होता है अपर लोअर और लोअर, मींस 5 क्लासेस हो गई। तो 5 क्लासेस कौन सी हुई, अपर क्लास हो गई, अपर मिडिल हो गई, लोअर मिडिल हो गई, अपर लोअर हो गई और लोअर हो गई। तो अगर इसमें जो इसको जो स्कोर है अगर 5 से कम है तो लोअर में आ गया, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कहीं कहीं जगह 16 से 15 भी लिखा है, 16 से 25, तो 5-5 का डिफरेंस मेनली दिया गया है। तो मींस अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर इसको कहीं जगह देखिए, सबसे जो लोअर 5 से कम होगा तो वो हमारा लोअर में आएगा, 5-10 या 6-10 जो है वो अपर लोअर में आएगा, 11-15 जो है वो लोअर मिडिल में आएगा, 16-25 जो है हमारा वो अपर मिडिल में आएगा, और 25-29 कह सकते हैं आप जो है अपर क्लास में आएगा, लगभग ऐसा ही इसका स्केल होता है। ये जो है आपको याद रखना है, ये मॉडिफाइड कप्पू स्वामी स्केल जो है अर्बन पॉपुलेशन के लिए। अगर हम बात करें बीजी प्रसाद और मॉडिफाइड उदय प्रदी स्केल के लिए, ये जो है दोनों ये रूरल पॉपुलेशन जो है उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया लिकर्ट स्केल जो है हमारा यूज नहीं किया जाता सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए। आगे देखते हैं, दिस इज नॉट अ प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें से कौन सा जो है प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है। तो देखिए अभी हमने बात किया था प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है फैल चुकी है, मींस मतलब उसके रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर बीमारी प्रेजेंट है लेकिन वो डिसीज हुई नहीं है, मींस उसका वायरस जो है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, आप कहें कि वो डिसीज़ जो है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है लेकिन उस पर्सन को वो डिसीज़ हुई नहीं है। तो ऑप्शंस को देखते हैं,
पहला जो है आइसोनियाजिड टू ए बेबी हु इज ब्रेस्ट फेड बाय स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस मदर, तो इसमें रिस्क फैक्टर जो है प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हम बात करें कि जो मदर है वो स्पूटम पॉजिटिव है, मींस उसको ऑलरेडी स्पूटम पॉजिटिव है, तो अगर हम बच्चों को आइसोनियाजिड खिला रहे हैं मींस रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और हम बच्चों को आइसोनियाजिड दे रहे हैं, तो ये क्या हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उस इंडिविजुअल को ब्रेस्ट जो कैंसर है हो गया हो, तो ये जो है ये अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है ये हमारा राइट है। ये प्राइमरी अगर हम देखें तो ये प्राइमरी लेवल पर है। अगर वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहा है तो उसमें कहीं रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आ रहा है। सप्लीमेंटेशन ए टू ए बेबी, देखिए नाइट ब्लाइंडनेस फैल रही है, आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं ए का, विटामिन ए का, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। पल्स पोलियो एग्जामिनेशन मैंने पहले ही बताया है, पोलियो वायरस जो है एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और आप बच्चों को पल्स पोलियो दे रहे हैं, मतलब पल्स पोलियो की वैक्सीन दे रहे हैं, तो वो जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। मींस जहाँ पे भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होंगे, रिस्क फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है और आप कुछ प्रिवेंटिव क्योर्स ले रहे हैं, तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। और इसमें से कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हॉस्पिस इज रिलेटेड टू, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हॉस्पिस हैं ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं या आप कहें हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो देखते हैं, स्पेशल केयर देते हैं पीपल जो ओल्ड एज में होते हैं या टर्मिनली इल होते हैं पेशेंट्स, उनके लिए ये रखे जाते हैं। तो इसका आंसर जो है स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स हेल्पिंग द ओल्ड एंड टर्मिनली इल पेशेंट्स, तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दिस इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज एंड डेथ ICD-10 के रिलेटेड, इसमें से कौन सी बात जो है वो गलत है, इनमें से कौन सी चीज ऑप्शन जो है वो गलत है ICD-10 से रिलेटेड। तो ICD-10 की बात करें तो ICD-10 जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये 10th revision है और 10th revision में 12 जो है 21 मेजर सब्जेक्ट्स हैं और ये जो आया था वो 1993 में आया था और ये हर 10 साल के बाद दोबारा रिवाइज होता है। अभी 2018 में ऑलरेडी आ चुका है न्यू जो आया है ICD, आप 11 कह सकते हैं उसे, उसमें 26 चैप्टर है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले बताया कि ICD जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज जो है वो जो आया था वो 1993 में आया था, तो ये ऑप्शन गलत है, ICD-10 जो है 1993 में आया था, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। बाकी चीज़ें आप देख लें, इसमें 21 मेजर सब्जेक्ट मेजर चैप्टर्स हैं, 10 ईयर के बाद ये रिवाइज होता है, ये स्टैंडर्ड है फॉर इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें ICD-11 की, तो ICD जो 11 है ये आया है 2018 में और इसमें जो चैप्टर्स हैं दे आर 26 चैप्टर्स, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ अ ड्रग प्रिवेंट मोर्टिलिटी बट डज नॉट इफेक्टिवली क्योर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक जो ड्रग है वो मोर्टिलिटी को मतलब मींस मरने से तो बचा रहा है लेकिन वो डिसीज़ को क्योर नहीं कर रहा है, डिसीज़ तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है, ट्रांसमिट भी होगी डिसीज़, और डिसीज़ जब ट्रांसमिशन हो रहा है उसका तो क्या चीज़ बढ़ेगी, क्या चीज़ डिक्रीज होगी, देखते हैं ऑप्शंस को। इंसिडेंस विल डिक्रीज, इंसिडेंस विल इंक्रीज, प्रिवलेंस विल डिक्रीज, प्रिवलेंस विल इंक्रीज, तो क्या बढ़ेगा, इंसिडेंस बढ़ेगा या प्रिवलेंस बढ़ेगा, तो देखिए डिसीज़ फैलेगी तो प्रिवलेंस बढ़ेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्रिवलेंस विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अ डिसीज इज कॉल्ड एंडेमिक व्हेन, डिसीज को एंडेमिक कब कहा जाता है, ऑप्शन को देखते हैं इट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट ए लो रेट इन स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया, बिल्कुल सही है कि हम एंडेमिक उसी को बोलते हैं जो एक लो फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी एक स्पेसिफाइड एरिया में प्रेजेंट हो, इट अफेक्ट ऑल एज ग्रुप इक्वली, बिल्कुल सही है, इन फेवरेबल कंडीशन टू एन एजेंट इट मे ब्रस्ट इन टू एपिडेमिक्स, ये कन्वर्ट हो जाती है एंडेमिक जो है एपिडेमिक में कन्वर्ट हो जाती है और एपिडेमिक जो है पेंडेमिक में कन्वर्ट हो जाती है, इट कैन बी इम्पोर्टेड इन टू अ कंट्री, अगर ये इम्पोर्टेड होने लगी कंट्रीज में तो ये पेंडेमिक हो जाएगी, तो ये एंडेमिक्स के लिए सही नहीं है, मीन्स करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन
जो फोर्थ है वो नहीं आएगा। तो इसमें तीन जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सही है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो ऑप्शन डी जो है वो सही है। आगे देखते हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज एपिडेमोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर। सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट पीना ये एपिडेमोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है किस चीज़ के लिए? लंग कैंसर के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए, फाइलोनेफ्राइटिस के लिए, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेंस के लिए, तो किस चीज़ के लिए है? तो देखिए, सिगरेट स्मोकिंग से लंग्स का इशू होता है, सभी को पता है। गैस्ट्रिक अल्सर्स भी होते हैं, जो स्टोमक है उसमें अल्सरेशन हो जाते हैं। फाइलोनेफ्राइटिस, फाइलोनेफ्राइटिस क्या है? किडनी का है। तो किडनी का जो है सिगरेट स्मोकिंग से कहीं से कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेंस, जो कहीं ना कहीं थ्रोम्बाइटिस फॉर्मेशन या थ्रोम्बो फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो किडनी वाला जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, ये सही नहीं है। लंग्स कैंसर होता ही होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको जो इंडिविजुअल है वो जो सिगरेट स्मोकिंग करता है वो एक तरह से जो स्मोकिंग है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो जाता है लंग्स कैंसर के लिए, ऐसे गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेंस के लिए भी, लेकिन फाइलोनेफ्राइटिस के लिए नहीं। तो इसका है एक ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, तो ए वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द फॉलोइंग मेजर कंस्टिट्यूट द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें से कौन कौन सी चीज़ जो है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आते हैं? तो देखिए, एरोबिक एक्सरसाइज, ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज आजकल बहुत सारी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन में एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं। रिमूवल ऑफ एडिपोज टिश्यू, आप कैसे रिमूव कर सकते हैं एडिपोज टिश्यू को, देखते हैं। सजेशन ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, आपने स्मोकिंग बंद कर दी है। कंजप्शन ऑफ लो फैट डाइट, ये भी, तो ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल में अगर देखें एरोबिक एक्सरसाइज है। रिमूवल ऑफ एडिपोज टिश्यू आप नहीं कर सकते हैं, खुद सर्जरी से ही होगा। सजेशन ऑफ स्मोकिंग सही है, कंजप्शन ऑफ लो फैट डाइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो चाहिए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर मेड बाय बोर कम्युनिटी। देखिए, बहुत सारी जो कम्युनिटीज है हमने डिस्कस की थी, श्रीवास्तव कमेटी, बोर कमेटी, और जो हमारी जो बाकी थी करतार कमेटी, ये सभी जो डिस्कस की थी हमने, मल्टीपर्पज़ जो वर्कर्स हैं वो किस में आए, जिन्होंने ये वीडियो वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख ले। बोर कमेटी में क्या क्या हुआ था, बोर कमेटी में हमारा पब्लिक हेल्थ सेंटर्स की बात की गई थी। तो हम एक एक चीज़ को देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज, 3 month ट्रेनिंग इन प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स फॉर हेल्थी प्राइमरी हेल्थ केयर। देखिए, अगर हम बात करें तो जो अगर बात करें मल्टीपर्पज़ वर्कर्स जो थे, मैंने आपको बताया जो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स थे ये करतार कम्युनिटी जो थी उसमें आए थे। करतार कम्युनिटी वो उसमें मल्टीपर्पज़ वर्कर्स आए थे। तो ऑप्शन फोर तो बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता है, बाकी तीन ऑप्शन को देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये बिल्कुल सही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का डेवलपमेंट बोर कम्युनिटी के द्वारा ही हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज इस कमेटी का नहीं था। 3 month ट्रेनिंग इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, ये था। तो इसके जो हैं वो फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट, तो इसका ये आंसर करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स के लिए क्या क्या ट्रू है, हमने इंसिडेंट्स और प्रेवलेंस ये सभी चीज़ें देख चुकी है। रेफर टू न्यू केसेस, इंसिडेंट्स बिल्कुल सही है, इंसिडेंट्स जो न्यू केसेस आते हैं उन्हीं के लिए रेफर होता है। कोहर्ट स्टडी कैन बी यूज टू एस्टिमेट, बिल्कुल सही है, कोहर्ट स्टडी ही यूज़ की जाती है इंसिडेंट्स के लिए। डिनोमिनेटर इज स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, इट डज नॉट, फोर्थ ऑप्शन है, इट डज नॉट हैव प्रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है उसके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं होता है, ये सही है। तो अगर हम बात करें एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन भी होती है, कोहर्ट स्टडी से एस्टिमेट किया जाता है इंसिडेंस और रेफर करता है न्यू केसेस को। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर मिल्क फ्रॉम वेरियस सोर्स इन टर्म ऑफ प्रोटीन कंटेंट, किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है उसके बेसिस पे आपको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो ह्यूमन के मिल्क में होता है। देन
काउ की मिल्क में होता है, देन गोट एंड बफेलो. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. आगे देखते हैं. देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप अच्छे से देखें एक एक चीज़ को. यहाँ पे आपको नेशनल प्रोग्राम दे रखा है, यहाँ पे ईयर ऑफ लॉन्चिंग दे रखी है, तो आपको याद करना है कि इस ईयर में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है. अगर हम बात करें पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, देखिए अगर आपको एक भी मालूम है, देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये मालूम होगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम जो था वो 2005 में स्टार्ट हुआ था. अगर आपको ये मालूम है कि बी का ऑप्शन थर्ड होगा, मीन्स बी का जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड होगा, तो आपके बाकी जो ऑप्शंस है वो अल्टीमेटली डिलीट हो जाते हैं. अगर हम बात करें पल्स पोलियो की इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, ये 1995 में आया था, तो ए का होना चाहिए सेकंड. अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम जो आया था 2005 में आया था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो आया था 1987 में आया था, अगर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है 1974 में आया था. तो आप अगर मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एग्जाम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो 1995 में आया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम जो आया था 2005 में आया था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी आपको याद होना चाहिए 1987 में था. आप अगर देखिए 1987 अपोजिट 987 आप ऐसे याद कर सकते हैं एड्स के लिए. और जो ये दोनों दोनों हैं, पल्स पोलियो वाला 1995 में, ये 2005 में, तो ए आप ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है. आगे देखते हैं ऐसे जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली मैथ्स द कॉलम वाले, आपको अगर याद होते हैं तो बहुत ईजी